मित्रों जय माता दी, जय श्री राम। मित्रों क्या आपके मन में भी कोई शंका है किसी भी विषय के बारे में, चाहे आपके व्यापार में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, विद्यार्थियों को उनको परीक्षा परिणाम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, गृहिणियों को या किसी को भी, किसी के मन में भी कोई शंका हो जिसमें कि ये हो कि होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, इसमें आपको उत्तर चाहिए, तो आपके लिए मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूँ आज जिसकी मदद से आप उसका उत्तर बिल्कुल सही सही प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मेरे हाथ में देखिए क्या है, रामचरितमानस है। ये मैं मोबाइल के फ्रंट व्यू से बना रहा हूँ तो उसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ये रामचरितमानस है जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ है, और ये है सटीक सचित्र मोटा टाइप वाला। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। ये आपकी रामचरितमानस यहाँ पे मदद करने वाला है। आपको रामचरितमानस से पता चल पाएगा कि आपके कार्य सिद्ध होंगे या नहीं होंगे, आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये बिल्कुल राम जी की कृपा से होगा। कैसे होगा वो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसके लिए आपको भगवान राम के प्रति असीम श्रद्धा होनी चाहिए और पूरे मन से आप करें। इसको जांचने के लिए तो बिल्कुल ना करें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत गलत करेंगे, रामचरितमानस के साथ भी, सबके साथ, समाज के साथ। तो इसे जांचने के लिए तो बिल्कुल ना आजमाएं। अगर आपके मन में कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जिसका उत्तर आपको हाँ या ना में चाहिए, होगा या नहीं होगा ऐसा करके चाहिए, तो आप पहले तो पूरे मन से नहा धो के पूरे मन से भगवान राम की भक्ति करते हुए रामचरितमानस को किसी स्वच्छ स्थान पर रखें। बेहतर होगा कि रामचरितमानस को इस तरह से एक स्टैंड भी आपको खरीदना चाहिए, इस तरह के स्टैंड पे रामचरितमानस की पुस्तक को रखनी चाहिए, तभी इसको पढ़ना चाहिए या इससे कुछ भी कार्य करना चाहिए। नीचे हो सकता है किसी भी प्रकार से हमें पता ना हो, हम जानते हैं साफ है, फिर भी साफ ना हो, किसी भी तरह का कुछ भी हुआ हो तो रामचरितमानस का इसमें अपमान होगा, तो बेहतर है कि स्टैंड पे रख के ही इसे पढ़ें या इसका कुछ उपयोग में लाएं। तो स्टैंड का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। तो हम बता रहा था कि किस प्रकार से जान सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, नहा धो लें और बिल्कुल फ्रेश हो जाए, स्वच्छ हो जाए, उसके बाद भगवान राम का स्मरण करते हुए ये रामचरितमानस अपने सामने रखें स्टैंड के ऊपर, और इस तरह से हाथ जोड़कर भगवान राम से विनती करें कि भगवान मेरे मन में ये शंका है, ये कार्य होगा या नहीं होगा, जो भी आपके मन में है प्रश्न, भगवान राम को स्मरण करते हुए आंख बंद करके बताएं भगवान राम को, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें मार्ग बताइए, बताइए हमें कि हमारा कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। अगर हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा तो मैं उस क्षेत्र में ना लगूं, किसी और क्षेत्र में लग जाऊं, उसके बारे में ना सोचूं, किसी और चीज़ के बारे में सोच लूं, है ना, ये बेहतर रहेगा। तो इस तरह स्मरण करते हुए आपको साथ में और क्या चीज़ें रखनी है, एक तो नोट करने के लिए कॉपी और एक कलम रखना होगा, बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है आपको, आपको किसी के पास कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप रामायण आपके घर में हो सकता है, ऐसे भी रामचरितमानस हो तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, अगर नहीं है तो ऐसे भी हर घर में रामचरितमानस तो होना ही चाहिए, तो रामचरितमानस एक खरीद लें और साथ में उसका स्टैंड भी निश्चित तौर पर खरीदें, ताकि उस पर रख के आप पढ़ पाएँ उन्हें या जो भी कार्य करना है आपको कर पाएँ। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, एक कॉपी कलम चाहिए और एक रामचरितमानस चाहिए, बस। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं हूं अब अपने रामचरितमानस के साथ, जो कि है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित और सटीक सचित्र और मोटा टाइप, ये आपको लेना है, और गीता प्रेस और गोरखपुर का ही लेना है। तो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया, अब आएंगे इसके अंत में। इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, आप आएंगे जब अंत में, तो यहाँ पे है श्री राम सला का प्रश्नावली, इसकी
इसकी मदद से हम जानेंगे अपने प्रश्न के उत्तर के बारे में। अब सबसे पहले क्या है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि भगवान राम का स्मरण करके उनसे अपने प्रश्न बताने हैं और रामचरितमानस को इसी तरह से स्टैंड पर खोल के आगे रख लेना है और इस तरह से जैसे मैंने कॉपी कलम लिया है एक कॉपी कलम ले लेना है। अब जैसे मान लीजिए ये पेन का पीछे वाला हिस्सा है तो इससे यूज करेंगे। अब भगवान राम का स्मरण करते हुए और आँखों को बंद कर लें, उसके बाद जो भी आपके मन में प्रश्न है वो प्रश्न को रखें और भगवान राम का इस तरह से नाम लेते हैं राम श्री राम श्री राम श्री राम करके आंखें बंद करके श्री राम करके जहां कहीं भी आपके ये जाएं, मान लीजिए यहां पे आके रुका तो आप आंखें खोल लें, यहां पे क्या लिखा हुआ है, खा लिखा हुआ है, तो इस तरह से यहां पे कुछ निशान इस तरह दे दें ताकि आपको खा पता रहे और यहां पे हम लिख लेंगे खा। अब इस खा से गिनेंगे एक, उसके बाद वाले को एक गिनेंगे, दो तीन चार पाँच छ सात, सात के बाद यहाँ आएंगे आठ नौ, ठीक है, तो नौवां आया को, तो को लिख लेंगे इस तरह से, खा के बगल में को लिख लें, ठीक है। अब फिर से को के बाद से शुरू करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौवां क आया तो क लिख लेंगे इस तरह से, यहाँ पे रख लें कैप उसका, इस तरह से लिखते जाएंगे। क के बाद भी नौ गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, अब इसके बाद री दिखेंगे, री के बाद फिर से हम नौ गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ त पे आया त लिख लेंगे इस तरह से बगल में कॉपी पे त लिख लेंगे। ताके बाद भी फिर ना गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इस तरह से फिर जो नौवें पे मिला हमें वो लिख लेंगे, इसी तरह से नौ नौ करके बढ़ते जाएंगे बेसिकली हम, तो इस तरह से कर लेते हैं। देखिए गिनते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे नौवें जगह पे अगर ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा भी लिख लेंगे, जैसे र आया र इस तरह से देख रहे हैं आप, र के बाद आ की मात्रा आ गई थी तो मैंने आ की मात्रा लिख ली है। इसी तरह से जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे, मान लीजिए यहाँ पे नौ आया, जू के बाद नौ आया, तो इसको फिर से एक गिनेंगे दो गिनेंगे तीन गिनेंगे, तीन के बाद फिर से इस ये चार हुआ पाँच हुआ छः हुआ सात आठ नौ, फिर मुँह लिखेंगे। इस तरह से आपको नौ नौ करके तब तक वहाँ तक पहुँचना है जहाँ से आपकी अक्षर शुरू हुई थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, खा से मैं गिनता गया और नौ 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 करके करते 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 फिर लास्ट में खा तक आया, ठीक है। ये खा शुरू में भी होगा और अंत में भी होगा, दोनों तरफ होगा। तो अब देखिए अब हमें देखना है कि कौन सी चौपाई बन रही है। ये देखिए अभी जो बन रही है ये राम रची राखा है ना, राम ये अगर मैं देखूं रची राखा सोई जो होई ही सोई जो राम रची राखा, इस तरह से बन रहा है ना। तो अब आ जाना है इसके अगले पृष्ठ पर, अब हमें ये चौपाई देखना है कहाँ पे है। संयोग से देखिए चौपाई ये शुरू में ही मिल गई, होई ही सोई जो राम रची राखा, देखिए सोई जो राम रची राखा, तो ये चौपाई आपकी मिल गई यहाँ पे। इसी तरह से अपनी चौपाई को खोज लेना है, बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, एक दो किन्हीं ना किन्हीं चौपाई में से आपका मिल ही जाएगा। देखते हैं कितनी सारी चौपाइयाँ हैं, किन्हीं ना किसी चौपाई से आपका मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे जैसे मेरा मिला है, अब क्या है पढ़ें इसमें क्या लिखा हुआ है। ये चौपाई
बालकांड में शिव और पार्वती के संवाद में है। प्रश्नकर्ता को इस उत्तर स्वरूप चौपाई में यह आशय निकालना चाहिए कि कार्य होने में संदेह है, अतः भगवान का अतः उसे भगवान पर छोड़ देना श्रेयकर होगा। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये जाना, मुझे ये उत्तर इससे मिला है कि ये कार्य होने में संदेह है, हो सकता है होगा, हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज़्यादा संभावना है नहीं होने का। तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया। कई चौपाइयों में तो देखिए, जैसे ये चौपाई किन्हीं के में आई, तो यह चौपाई श्री हनुमान जी के लंका में प्रवेश करने के समय की है। प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, कार्य सफल होगा। इस तरह से आप भी जान सकते हैं। इस विषय में अगर आपको और भी कुछ जानना है तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर कुछ मेरे से बताने में कमी रह गई हो या फिर मैं पूरा नहीं बता पाया होऊंगा तो निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस के सहयोग से जान सकते हैं। तो आप भी जानें और आपको इससे लाभ हुआ या नहीं हुआ आप हमें भी कमेंट करके बताएं। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।